press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब बाय राकेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग इंडियन आर्मी भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंडियन आर्मी के अंदर बहुत बड़ी भर्ती वैकेंसी निकल चुकी है जिसके अंदर मैन और वुमेन दोनों आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस जॉब से जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में विस्तार से देने वाला हूँ। अगर आप इंडियन आर्मी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं और अगर आप इंडियन आर्मी में नौकरी करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी संबंधित और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस जॉब में मैं आपको बताऊंगा इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना के अंदर जो भर्ती निकली है उसके बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, भारतीय सेना के अंदर 54 एसएससी के अंदर भर्ती निकली है जिसके अंदर मैन और वुमेन दोनों आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जॉब 25 जुलाई 2019 को ये वैकेंसी निकली है जिसके लिए टोटल वैकेंसी 191 यानी 191 टोटल वैकेंसी है। दोस्तों, इस जॉब से जुड़ी जानकारी इस प्रकार से है, 54 एसएससी जिसके अंदर मैन और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं, 54 एसएससी मैन और 25 एसएससी वुमेन के लिए वैकेंसी है। दोस्तों, इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स इस प्रकार से हैं, इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं 24/7/2019 12 बजे से और आवेदन करने की लास्ट डेट है 22/8/2019 12 बजे तक। दोस्तों एज लिमिट एसएससी टेक्निकल के लिए जो 54 मैन एसएससी डब्ल्यूटी 25 वुमेन के लिए 20 से 27 साल एज है जो कि 1/4/2020 के आधार पर एज की गणना की जाएगी। दोस्तों, विधवा जो डिफेंस पर्संस जो कि इंडियन आर्मी में नौकरी कर रहे थे और जो एक्सपायर हो गए उनकी औरत को उनकी विधवा को के लिए डेट में इसमें छूट दी गई जिसके लिए 35 साल एज रखी गई है 1/4/2020 को। आगे है दोस्तों क्वालिफिकेशन फॉर एसएससी टेक्निकल मैन और वुमेन, इन दोनों के लिए क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री होना ज़रूरी है जो कि और जो उम्मीदवार इंजीनियरिंग की फाइनल के अंदर हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। जो इंडियन आर्मी डिफेंस पर्सन की विधवा औरतें हैं उनके लिए एसएससी डब्ल्यू नॉन टेक्निकल और नॉन यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और साथ ही इसके लिए बीई बीटेक और एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम भी होना ज़रूरी है एसएससी डब्ल्यू टेक्निकल के लिए। दोस्तों, वैकेंसी की डिटेल इस प्रकार से, जिसमें एसएससी टी 54 एंड एसएससी डब्ल्यू टी 25, इसके लिए कैटेगरी मैन के लिए 175 टोटल वैकेंसी और वुमेन के लिए 14 टोटल वैकेंसी है और डिफेंस पर्सन की विधवाओं के लिए एक नॉन टेक्निकल और एक टेक्निकल की पोस्ट है। बाकी दोस्तों, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो एक बार आवेदन करने से पहले फुल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें और उसी के बाद आप इसमें आवेदन करें। दोस्तों, नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप एक बार फुल नोटिफिकेशन पढ़ लें और उसके बाद आवेदन करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी से संबंधित और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों।